और बीजेपी सरकार अच्छी जीतेगी, अब किसान 400 पार। सुनो, 3000 से लेके जो मर रहे हैं वहां तक पैसा दे रही सरकार, और क्या लोगे? पानी की भी समस्या है, कोई हमारे महल्ले में न स्कूल है न कोई आंगनबाड़ी है, ना हमें कुटी है ना हमें नाज अकेले मिलता है, बस और कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, मजदूरी कर रहे हैं। आपको लगता है कि शिवराज सिंह वहाँ से अच्छे मतों से जीतेंगे? हमें क्या मालूम जीतेंगे नहीं, हमें क्या पता, हम का क्या की लहर चल रही है आपके दर चुनाव में। साहब बीजेपी सरकार जीतेगी, और बीजेपी सरकार अच्छी जीतेगी, अब किसान 400 पार। और मेरी शिव जी से ये दुआ है कि जब तक सूरज चांद रहे, बीजेपी का नाम रहे और वो हरी भरी बनी रहे, कि पठानकोट उड़ी हमला बंबई के बम ब्लास्ट हुए नहीं हुए, विदेश में लोग बाग हाथ जोड़ के नमस्कार करने लगे। राहुल गांधी साहब ने बुराई किसी को भलाई कहां करी, झूठ मूठ की सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेके आज हम ग्रामीण मतदाताओं से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनके विषय में उनको क्या परेशानियां है, क्या सरकार से उपलब्ध सरकार से क्या अपेक्षा है उनकी, आज उनसे जानेंगे। आइए हम मिलते हैं कुछ मतदाताओं से। दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या नाम दादा आपका? मेहरा सिंह मेहरा। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं साहब, ये भोजपुर है ना, ग्राम गोगला कुंडी। हम गोगला वहाँ के हैं, गोगला कुंडी के। जी जी, किसकी लहर चल रही है आपके दर चुनाव में? साहब बीजेपी सरकार जीतेगी, और बीजेपी सरकार अच्छी जीतेगी, अब किसान 400 पार। ये समझ लो आप भोलेनाथ की कृपा, शिव जी की, और मैं भी भगवान शिव से यही दुआ कर रहा हूँ। हाँ देखो, बीजेपी सरकार में कितने काम होंगे, इतने काम हुए। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पठानकोट उड़ी हमला बंबई के बम ब्लास्ट हुए नहीं होंगे, हैं? और आज कहीं बम धमाके क्यों नहीं हो रहा है? भाई सरकार मजबूत है ना अपनी, है ना, और भगवान शिव की कृपा और भी मजबूत होगी। देखो गरीबों के लिए घर मकान, और ये तुम्हारे और गरीबों के लिए जो हम जैसे बीपीएल वालों के लिए आज एक गाँव मिल रहा है हमको खाने को, है आसमान का फ्री इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है? आदमी पैदा हो रहा है, पैसा दे रही सरकार, पैदा से लेकर मरण तक। सुनो, पैदा से लेके जो मर रहे हैं वहां तक पैसा दे रही सरकार, और क्या दोगे? सही बात है, है? भाई ईमानदारी पे चले आदमी, वो जिससे कहते हैं ये है ईमानदार सरकार। आज 50 बिचौलिया घूमते थे, आज कहाँ गए? सही बात है, बिल्कुल कहाँ गए वो? भाई ये बिल्कुल ईमानदार सरकार है, भगवान शिव की कृपा से, और ये बाबा भोलेनाथ की सरकार है, और अब किसान भगवान जो है ना 400 पार करेगा, शिव जी की कृपा है भोलेनाथ की, और देखिए ईमान की जीत होगी। बीजेपी का पश्चिम जो है वो लहरा रहा है, वो लहराता रहेगा, और मेरी शिव जी से ये दुआ है कि जब तक सूरज चांद रहे, बीजेपी का नाम रहे और वो हरी भरी बनी रहे। मोदी जी से क्या अपेक्षा है? मोदी जी से तो बहुत बहुत बड़ी अपेक्षा है, देश इतना चला रहा है वो, कहाँ हिल रहा है आज देश, चांद पे पहुँच गया भैया, विदेश में लोग बाग हाथ जोड़ के नमस्कार करने लगे। राहुल गांधी साहब ने बुराई किसी को भलाई कहाँ करी, झूठ मूठ की सरकार। यूतला और राफेल मोदी चोर, ये उनकी भाषा जो है नहीं, राहुल गांधी की सही नहीं है। भाई आपको लगता है दादा बोल रहे हैं वो सही है? बिल्कुल ओके, राइट बोला बिल्कुल। और मेरी बात सुनिए, आदमी को भोजपुर विधानसभा बोल रहे, भोजपुर विधानसभा में काम नहीं हुआ, आप बताइए है? क्या काम नहीं हुआ आपके घर, आप बताइए। बीजेपी तो पार्टी सही है, सब चीज सही है, पर भोजपुर विधानसभा में विकास कहाँ हुआ है? अरे आप होगा भैया, अरे आप कह चुके हो कम है, भाई भोजपुर विधानसभा में विकास तो होना चाहिए, विकास नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं सुरेंद्र पटवा जी विधायक हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे कितना विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास नहीं हुआ। क्या विकास होना चाहिए था आपके हिसाब से, क्या क्या होना चाहिए था, रोड या कोई? बाकी रोड भी होना चाहिए, कुटीर वाला कुटीर के लिए रो रहा है, दुनिया की चीज के लिए परेशान है आदमी। बाकी प्रधानमंत्री वाली पूरी सुविधा मिल रही है, प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा कर दी, नहीं मिल रही है ना पूरी व्यवस्था तो पूरी मिल रही है। आज और 3-4 लाख की करी है साहब, आज करी है यार। बात सुनो, तुम किसी को वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है, तुम अपने घरे तो ढंग से चला नहीं पा रहा हो, और वो राजा प्रधानमंत्री साहब वहाँ बैठ के पूरा देश चला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भैया। मुझसे मेरा घर नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही बात, मुझसे मेरा घर नहीं चल रहा है, वो देश चला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे अमित शाह हुए, राजनाथ सिंह हुए, ये इतनी जी जान से लगे हैं, भगवान भोलेनाथ से मैं दुआ करता हूँ वो सफल हो, मालिक से ये मेरी दुआ है। राम मंदिर बनवा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, आपको क्या लगता है? जम्मू का 370 जो है वो हटवा दी,
आज तक कोई सरकार ने हटाई है, वोट बटू रहे उनने तो। राहुल राहुल गांधी जी कहते हैं ये गलत कराने आपको गलत। देखिए राहुल गांधी कानून अनुभवी आदमी है, वो तो ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी साहब जो है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी, मगर भाई काम पे निर्भर है ना, कोई के काम बोलते हैं। आदमी जो है उसका जो मेहनत है ना, मेहनत रंग लाती है। राहुल गांधी साहब खानदानी आदमी, अच्छे लोग हैं, अपन उनकी बुराई नहीं कर रहे। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है ना। आपको क्या लगता है दादा, मोदी जी की सरकार ने विकास करा है? मोदी जी ने हाँ करा। क्या मिल रहा है आपको, अनाज वगैरह मिलता है कोई योजना का लाभ? हमें नहीं मिलता है जान, खेती वाले हम। खेती में भी गेहूं क्या रेट, आपका गेहूं का रेट सही मिल रहा है? हाँ सही मिल रहा है। सरकार ने वादा करा था, शिवराज सिंह वादा कर गए थे चुनाव से पहले, वो रेट आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। और कोई समस्या लाइट की सड़क की? नहीं अपने का ये कोई दिक्कत नहीं। आप यही इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले? हाँ। सरकार की कोई योजना जिसका आपको लाभ मिल रहा हो? हमें 2,000 रुपए महीना मिले, वो 3 महीना 4 महीना में। कोई घर में कोई महिला है जिनको लाडली बहना योजना के पैसा मिल रहा हो? नहीं। किसी लेडीज को आपको लाडली बहना के पैसे नहीं मिले? बहू है बिना, हमें पता नहीं। बहुओं को मिलते हो तो आपको पता नहीं है? अच्छा। और यहाँ पर आपको और कोई असुविधा सरकार की तरफ से, अभी जो नए अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के जो पुराने हमारे सांसद थे प्रज्ञा सिंह भारती, प्रज्ञा ठाकुर, कभी यहाँ आई है? कभी आई है। अभी आलोक शर्मा और कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव है, आप दोनों में से किसी को जानते हैं? नहीं नहीं। बहुत दे रही है साहब ये, हमें हमने साल में जो हमें 6,000-12,000 मिल रहा है। आप क्या किसी को मिल रहे हैं लाडली बहना के पैसे? हमारे यहाँ मिल रहा है, हमारे घर में ही मिल रहा है। वो लाडली बहना जो योजना ये चलाई है सरकार ने, ये पैसा हमें मिल रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, उमदा चल रही है सरकार भाई, और चलती रहेगी, शिव जी की कृपा है भोलेनाथ की। दादा आपको लगता है कि यहाँ आपके पास कोई ऐसी सरकारी कोई समस्या हो आपको जो आपका हल होना चाहिए? अपन साहब महकमे में रहते हैं, अभी अपन कितने 8-10 साल हो गए और अपने अभी तक व्यवस्था कुछ हुई नहीं है। किस चीज की व्यवस्था नहीं हुई? देखो वहाँ पानी की भी समस्या है, कोई हमारे महल्ले में न स्कूल है न कोई आंगनबाड़ी है। बड़ा बड़ी बंगरसिया पढ़ते हैं माँ का। तो बंगरसिया कैसे आते हैं बच्चे? पैदल ही आते हैं, इतनी दूर से पैदल आते हैं। सरकार जो साइकिल वितरण मुख्यमंत्री की योजना है वो नहीं? तो आपके गांव में स्कूल भी नहीं है? स्कूल नहीं है, स्कूल है पुराना है गांव में, मतलब हमारे जिस महल्ले में उसमें कुछ नहीं बना। कौन सी क्लास तक है वो स्कूल? वहाँ 8वीं तक। अच्छा 8वीं तक है वो स्कूल है ना। तो लड़कियां पढ़ती हैं उस स्कूल में? नहीं बाने जाते हैं, हमारे यहाँ बच्चे सब यही पढ़ते हैं, यही आते हैं बंगरसिया पढ़ने के। और कोई आपको समस्या सरकार से जो आप चाहते हो कि चुनाव होने के बाद सरकार वादा करती है लेकिन क्या? हमारे महल्ले में रोड तक नहीं बने, कुछ कोई कुछ नहीं हुआ हमारे महल्ले में, कोई सफलता नहीं हुई। तो पंचायत स्तर पे कभी आपने बातचीत नहीं करी किसी से, सरपंच या किसी से, कि भाई गांव में रोड नहीं बनी? अब दूसरी सरपंच, मतलब पहले दूसरा सरपंच था उनने भी कुछ नहीं कराया, उसके बाद दूसरे सरपंच आ गए, जब भी कोई शब्द नहीं हुआ हमारे में। लाइट तो रहती है? लाइट हाँ लाइट भी है, वो भी ऐसी केबल डाली है, काम चला वहाँ से लाइट है भी। कभी 8-8 दिन नहीं आती, खराब होती, बगैर पैसों को ठीक होती नहीं है। पूरे महल्ले वाले पैसे देते हैं, फिर 100-200 रुपए जब लाइट जुड़ती। तो बिजली विभाग वाले दफ्तर से अब कोई नहीं आता सुधार में? नहीं, कोई नहीं उधर आता है, अपन तो वो आते हैं जो चारे लाइट वाले, तो वो ही सुधारते हैं, फिर पैसे चंदा होगा सुधरवाना पड़ता है। हमारे महल्ले में अभी तक कोई शब्द नहीं था, नीचे कोई रोड नहीं बना, जो जिस साल में रह रहा है वैसे ही रास्ता वैसे ही। तो प्रधानमंत्री की जो योजना है कुटी योजना, उसका कोई फायदा नहीं मिला? कुछ नहीं। अनाज 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 भी नहीं मिलता हमारे महल्ले। आपको अनाज भी नहीं मिलता उसका? भाई क्या है कि हम गाँव से जो आए हैं वहाँ से जहाँ बसे हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले सुल्तानपुर। सुल्तानपुर अपने ये राशन के आगे? नहीं ये इधर बाड़ी बरेली। बाड़ी बरेली के पास ना सुल्तानपुर। तो वहाँ तो आपका राशन कार्ड होगा, वहाँ आपको सब? वहाँ से नाम कटा चुके हैं हम, इधर अभी जुड़े नहीं है। अभी कितना टाइम हुआ आपको यहाँ आए हुए? अभी हमें होगा 10-12 साल हो गया। 10-12 साल में तो नाम जुड़ जाना चाहिए आपका। वो तो क्या है कि अब नाम ऐसा है कि हमारे महल्ले में जब कभी किसी ने गाँव में जोड़े, हमने बंगरसिया में जुड़वाया, जहाँ हमें सुविधा दिखी वहाँ हमने नाम जुड़वाना पड़ा। पहले सरपंच नाम हमारे जुड़े नहीं, सालों साल चलेगा, फिर पढ़ाई नाम जब 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 हमने नाम लिखवाया जहाँ, तो भाई जहाँ हमने फिर हमें मजबूरी नाम जुड़वाना पड़ा। अब हम रायसेन जिले में रहते हैं और भोपाल जिले में नाम जुड़वा के वोट डालते हैं, बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं हमारे। तो आपने ऐसा क्यों करा कि आप रहते वहाँ हो नाम यहाँ जुड़वाया आपने? मजबूरी ये थी कि जब भाई बहन नहीं जोड़े, पहले सरपंच था उसने 1 साल लिखे रहिए,
जब हमें स्कूल में जरूरत पड़ने लगी मास्टरों से, भाई प्रूफ लाओ तो कुछ तो देना पड़ेगा भाई, प्रूफ तो देना पड़ेगा। जहाँ उनने करंट में हमारे नाम जोड़े, हमारे बच्चों की जो प्रूफ था वो लगना था, आधार कार्ड पहचान पत्र सब हमारे यहाँ करंट। तो यहाँ वजीफा मिलता है स्कूल में बच्चों को, वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं अपन, सरकार से कोई पैसा मिलता है? नहीं अभी कुछ। आप बताइए, आप क्या, आपको, आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम पवई के हैं, नाम है कुटी है, ना हमें नाज अकेले मिलता है, बस और कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, मोड़ा हमारा पढ़ रहे हैं कॉलेज में, यहीं भोपाल में बस गए हम तो जान के। तो अभी आपका राशन कार्ड यहीं का है कि वहीं का? गांव का है सर, वहीं का है जी। अच्छा, तो अभी आपने यहाँ नाम नहीं जुड़वाया अपना? नहीं, अभी नहीं जुड़वाया। आप यहाँ रहोगे तो आपको जब भी तो सुविधाएं मिलेंगी ना, अभी तो रह जाए। नहीं तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा ना राशन कार्ड? हाँ, मैंने जुड़ा। तो नाज मिल रही है जहाँ भाई? अनाज तो मिल रहा है ना आपको। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती होगी? कुछ नहीं मिलता है, यहाँ सर भर रहा है, पढ़ रहे हैं, कप्पा गरीब काम कर करके भर रहे हैं भाई से, जब पढ़ रहे हैं और का कुछ नहीं मिल रहा है। घर में किसी महिला को आपके यहाँ लाडली बहना योजना के पैसे मिल रहे हैं? आपने नाम रजिस्टर कराया था? कराया था। क्यों नहीं मिले फिर उनके पैसे, आपने मालूम? मालूम, हमने करा, कह रहे खाते में चले गए उनके, कौन से खाते में चले, हमें क्या मालूम, भाई एक रुपया नहीं मिला। तो आपने नाम रजिस्टर कराया होगा तो उसमें तो आप ही के खाते में आते हैं ना पैसे? तो कह रहे आए नहीं है, खाते में नहीं है, हम एक रुपया नहीं मिला। बोना बोले कहीं सरकारी शिकायत करी आपने दफ्तर में, पंचायत में? नहीं करती, तो आपको फिर कैसे पता चलेगा? हमने यही पूछा था, चल रहे तुम्हारे खाते में चलेगा, हमने पूछा चलेगा, ठीक है चलेगा, कहाँ चलेगा, हमें कुछ नहीं मिला पैसा, ना हमें कुटी मिल रही ना कुछ मिल रहा। तो अभी आपका राशन कार्ड यहीं का है कि विदिशा की? विदिशा का है। तो ये सुविधा तो फिर आपको आपके गांव में ही मिलेगी ना, जहां आपका राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड आपका जहां का होगा? तो फोन तो जहां पापा ने लगाया था सर, अब जो काले कुटी भी नहीं है, हम कुटी हुई रहने जगह नहीं है, हम दूसरे मकान में रह कराए, हमें कोई लाभ नहीं मिल रही, अरे यार मजदूरी कर करके भैया पेट पाल रहे, हम तो कम रखा है कुछ नहीं है, हम दूसरे मकान में रह रहे। शिवराज सिंह आपके इधर से ही चुनाव लड़ रहे हैं फिर से, आपको लगता है कि शिवराज सिंह वहाँ से अच्छे मतों से जीतेंगे? हमें क्या मालूम जीतेंगे नहीं, हमें क्या पता, हम का कह रहे हैं। आप वोटर हो आप उस जगह के, आप वहाँ वोट डालने जाओगे? यहाँ कुछ तो दुआ है तो हम वोट डाल रहे हैं, हम कहाँ चले जाए, मजदूर आदमी हम तो है, तो हमें घर देखो जान के मामा उधर तक कहाँ बिहार है हमारे कमरे में, हम कहाँ चले जा रहे हैं अभी, हम चलो हम बता रहे वोट कर दो मकान, हमें कोई चीज नहीं दे रहे, पूरे गांव मेल बन गए, हमें कोई छुट्टी नहीं। कौन से गांव के रहने वाले? पवई नहीं, यहाँ अभी आप कहाँ रह रहे हो? यहाँ रह रहे हैं या कॉलेज में? तो पवई जो अपने विदिशा के पास पवई, आप वहाँ के रहने वाले हैं? मजदूरी करने निकले वहाँ, गांव में मजदूरी वगैरह भी नहीं मिलती आपको? खेती बाड़ी नहीं है? कुछ नहीं है, कैसे कोई काम नहीं। आप संपर्क कीजिए सरकारी अधिकारियों से, शिकायतें करिए, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। सरपंच हमें बोल ले जाइए आओ मामा, 1000 रुपया दिया गया और बस, चले हमका खेत में तो कुटी बनवाना, यही बोलता है सरपंच हमसे, सचिव बोले हम तो सही कह रहे सर। विधायक, विधायक जी से आप विधायक जी के पास जाइए, पटवा जी के पास, उनको शिकायत करिए, कुटी हम का घर बैठ के तो मकान बना दे, यही बोलता है सरपंच हमसे, हम कौन के चले जाए बता दो। आप उनकी शिकायत सरकारी स्तर पे मुख्यमंत्री के पास करिए, आवेदन दे के आइए, चलो हम खुद बता रहे हैं, फोटो खाई तो हमारे मकान कहाँ बिहार है, हमारे घर में हम कार्यालय है सर, तुम बताओ, तो गाँव पूरे मेल बना रहे तुमने, हमें कुटी नहीं दे रहे, कहा है जो। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि कहीं मतदाताओं को शिकायतें भी हैं कि उनको कुटी की सुविधा भी नहीं मिल रही है और पंचायत स्तर पर उनके नाम भी नहीं जोड़े जा रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। कहाँ से? सागर से। यहाँ आप भोपाल रहते हैं, यहीं बसते हैं? नहीं, काम करते हैं। तो काम करने आए पे आपको कोई सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं मिला सर। अनाज? अनाज तो मिला है, जैसे अनाज बना तो मिला है, आज एक कुटी मुटी नहीं मिली, वो लाड़ी बहना के पैसे में से मिल जाते हैं, लाडली बहना के पैसे आपके यहाँ मिलते हैं। तो अभी आपका राशन कार्ड कहाँ का है, यहाँ का है, आधार कार्ड कहाँ का है? उधर ही का है ना, सागर ही का है। जो लाडली बहना के पैसे आते हैं वो सागर जिले में ही आते होंगे? हाँ, सागर जिले में आते हैं। तो बच्चे आपके कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे नहीं है मेरे पास। अच्छा, बच्चे नहीं है अभी आपके, तो अभी आप भोपाल मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, मजदूरी कर रहे भोपाल। अभी जो चुनाव होंगे तो आप जाओगे गाँव वोटिंग करने? कल जा रहा है ना, गाँव जा रहा है, गाँव में ही वोटिंग करके आओगे फिर? कल वोटिंग करके आएंगे आप, वोट करने के बाद ही वापस आओगे? तो अभी आप जैसे आप गांव जाओगे तो वहाँ आपको लगता है कि सरकार जो चुनाव हो रहे हैं तो सरकार को सुविधाएं देती है आपके गांव में, वहाँ कोई सुविधा है, वहाँ पानी बिजली सड़क की सुविधा है आपके गांव में? हाँ, ये तो है सुविधा, पानी की है थोड़ा दूर दूर है, हाँ रोड की भी है, लाइट की भी है सुविधा, कोई कुटी मुटी नहीं निकल रही। तो कुटी के लिए कहीं आवेदन दिया था आपने पंचायत में या नगर पालिका में? अभी कहीं नहीं दिया, अब जाएंगे तो देंगे। अब चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग शहरों से लोग यहाँ आकर मजदूरी कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए लेकर संघर्ष कर रहे हैं,
कुटी नहीं है, प्रधानमंत्री कुटी योजना से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ एक लोगों को राशन या अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, और यहाँ पर कहीं पंचायत स्तर पर कई लोगों को इस योजनाओं का लाभ या उनके विषय में जानकारी नहीं दी जा रही है। हमारे साथ बने रहिए, मैं अमिता हारण, बंगरसिया, भोपाल आज तक। धन्यवाद।